तो मेरे भाई फाइनली मेरा एग्जाम हो गया खत्म। तो अब मैं आप लोगों के लिए एक मस्त एक वीडियो लेके आ चुका हूँ, क्योंकि यार इस वीडियो में मैं आपको मैं कैसे डिफेंस करता हूँ फुटबॉल 2024 में, वो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो यार इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं कौन से ऐसे तीन चीज फॉलो करता हूँ जिससे मेरा डिफेंस बहुत अच्छा होता है। अगर आप पहले एक अच्छे डिफेंडर है तो यार मेरे ये टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको जरूर कॉमन चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको बदले में क्या मिलेगा, आप लिटरली डिविजन में ऐसे आराम से जीरो गोल कंसीड करके हरा सकते हो और लिटरली डिवीजन वन में फोड़ सकते हो, ठीक है। सो यार ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यार मैं पहले जब डिफेंडिंग अच्छा नहीं कर पा रहा था तब मैंने ये तीन चीज फॉलो किया, फिर अभी मैं बहुत मस्त डिफेंडिंग करने लग चुका हूँ। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। देखो मेरे भाई, स्टेप नंबर वन है फॉर्मेशन चॉइस। आपको लिख के देता हूँ, अगर आप एक बैड डिफेंडर है, अगर आपको डिफेंड उतना अच्छी तरीके से करना नहीं आता तो यार आप लिटरली 1DMF में हबोगे, ठीक है। 1DMF फॉर्मेशन अगर खेलोगे तो आपको लिटरली मिडफील्ड में ओपोनेंट तोड़ देगा। तो आपको ऑलवेज 1DMF फॉर्मेशन इग्नोर करना है अगर आप डिफेंस में अच्छा नहीं हो, लेकिन अगर आप डिफेंस में अच्छे हो तो आप 1DMF फॉर्मेशन से खेल सकते हो। लेकिन ये वीडियो है डिफेंडिंग के ऊपर, इसका मतलब आपका डिफेंडिंग उतना भी कुछ खास नहीं है। तो यार आपको मैं सजेस्ट करूंगा, मैं जैसे ऑलवेज 2DMF प्रेफर करता हूं, 1DMF 1CMF, तो आप भी कुछ ऐसे फॉर्मेशन बना लो, कस्टमाइज कर लो, नहीं तो किसी भी एक अच्छा खासा फॉर्मेशन उठा लो जिसमें आपको 1DMF और 1CMF का अच्छा खासा डिफेंस मिल जाएगा, ठीक है। सो हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो है प्लेयर चॉइस। देखो मेरे भाई, कुछ भी हो जाए आपको लिटरली स्पीडी, बहुत ज्यादा हाइट, मिनिमम 186 से ऊपर वाला हाइट और अच्छा खासा डिफेंसिंग स्टैट्स वाला डिफेंडर ही चाहिए, ठीक है। ये आपको बैठा लेना है अपने दिमाग में, पहला डिफेंडर के पास अच्छा खासा डिफेंसिंग स्टैट्स हो, दूसरा डिफेंडर का हाइट ज्यादा हो, तीसरा डिफेंडर का स्पीड 80 के करीब नहीं तो 80 से ऊपर हो, ठीक है। ये तीन चीज आपको जरूर अपने सीबी चॉइसिंग या तो डीएमएफ चॉइसिंग के याद रखना है और ऐसे ही प्लेयर को आपको यूज कर लेना है, ठीक है। क्योंकि यार अभी फुटबॉल में ना स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है, डिफेंसिव स्टैट्स तो पहले ही मैटर करता था, अब भी मैटर करता है, और ऊपर से जिस प्लेयर का हाइट है वो एरियली बहुत ज्यादा अच्छा होगा और नेक्स्ट उसका मैचअप भी थोड़ा बहुत अच्छा होगा शॉर्ट प्लेयर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आपको ये तीन चीज को हमेशा ध्यान रख के अपने प्लेयर को चॉइस कर लेना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, LB RB, ये दो चीज आपका डिफेंसिव फुलबैक होना चाहिए। अगर आपको सॉलिड अच्छा खासा डिफेंस चाहिए तो आपका LB RB भी अच्छा खासा होना चाहिए, लाइक डिफेंसिव फुलबैक, नहीं तो यार कोई सा भी एक प्ले स्टाइल खिला लो, लेकिन उसका स्पीड 80 से ऊपर या तो 85 से ऊपर होना चाहिए, ओके। और डिफेंसिव स्टैट्स तो धमाकेदार होना चाहिए। तो आपका LB और RB पोजीशन ही एक ऐसा पोजीशन है जिसमें आपका ओपोनेंट बहुत भयंकर हो जाता है, आपका ओपोनेंट लिटरली ऑलवेज, आप देख लेना कि आपके LB RB ऊपर चले जाएंगे तभी आपका ओपोनेंट खतरनाक वाला काउंटर करेगा, ठीक है। तो आपका LB RB ऑलवेज डिफेंसिव फुलबैक, नहीं तो एक ऐसा LB RB यूज कर लेना जो नीचे रहे, जो ज्यादा ऊपर ना जाए, ठीक है। डिफेंसिव फुलबैक बेस्ट है, ओके। बस ये तीन चीज फॉलो कर लो, आपका डिफेंस मिनिमम 80-90% इंप्रूव हो जाएगा। आप जैसे अभी डिफेंस करते हो तो 50% भी हो सकता है, ऐसा कोई सीन नहीं अगर आप अच्छे डिफेंडर हो, ओके। और यहाँ पे मैं चौथा जो बोनस टिप दूंगा वो है आपका कैसे खेलना है। देखो मेरे भाई, जैसे कि इस वाले सिनेरियो को देख लो, मेरा ओपोनेंट ने इस वाले प्लेयर को पास दिया। अब अगर नॉर्मल प्लेयर हो तो क्या करेगा, इस वाले को प्रेस करेगा, नहीं भाई आपको बनना है पूरा। तो आपको क्या करना है, उसके जो ऑपोजिट जिस प्लेयर को आपको लगता है ओपोनेंट पास देगा, जल्दी से जल्दी आपका जिस प्लेयर के ऊपर स्विच है उसको मार्क कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मेरा सीडी के ऊपर स्विच था, मैंने इस प्लेयर को मार्क कर दिया और ओपोनेंट ने हक दिया, ठीक है। तो आपको भी कुछ ऐसे ही खेलना है। अगर आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स इसके ऊपर प्रॉपर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, मैं आपके लिए प्रॉपर डिटेल वीडियो लाऊंगा। आपको कैसे समझना है, कब समझना है, क्या करना है, सब लाऊंगा। तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है। तो चलता हूँ, मिलते अगले वीडियो में।